हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के न्यू रिक्रूटमेंट अग्निवीर वायु के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। इस फॉर्म को अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का अप्लाई पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से अब हम फॉर्म फिल करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए न्यू यूजर रजिस्टर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से साइन अप पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पर नेम, फादर नेम और मदर नेम 10th या मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। सबसे पहले आप अपना फुल नेम इंटर करें, इसके बाद फादर नेम और यहाँ पर मदर नेम इंटर करें, इसके बाद ईमेल आईडी इंटर करें, नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट है, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करें और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। ओके पे क्लिक करें। ओटीपी सेंट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। अब ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करें और साइन अप पे क्लिक करें। कंफर्म सबमिट, ओके पे क्लिक करें। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ओके पे क्लिक करें। अब आपको साइन इन करना है। यहाँ पर आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इंटर करें। पासवर्ड में जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी में प्राप्त हुआ होगा उसे यहां पर इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करें और साइन इन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद रिसेट पासवर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको पासवर्ड को चेंज करना है। आपको जो पासवर्ड क्रिएट करना है उसकी लेंथ एटलीस्ट 8 डिजिट की होनी चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। सैंपल के तौर पर आप यहां पर पासवर्ड देख सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद सेम पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड में इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। सक्सेसफुल पासवर्ड रिसेट। अब आपने जो पासवर्ड चेंज किया है वही सेम पासवर्ड लॉगिन करते समय इंटर करना है। ओके पे क्लिक करें। अब आपको पुनः लॉगिन करना है। ईमेल आईडी में आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इंटर करें। इसके बाद पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया था उसे इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन शो होगा, इस पर आप क्लिक करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको रीड कर लेना है। जैसे कि फोटोग्राफ के लिए पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और अक्टूबर 2022 के पहले की नहीं होना चाहिए। आपकी फोटो में चेस्ट के सामने ब्लैक कलर की स्लेट होना चाहिए, जिस पर नेम और फोटोग्राफ लेने की डेट मेंशन होना चाहिए चौक से कैपिटल लेटर में। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद इस चेकबॉक्स को टिक करें। इसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पर क्लिक करें। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। एक्सेप्ट डिस्क्लेमर बिफोर फॉर्म फिलिंग, इस चेक बॉक्स को टिक करें। एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पे क्लिक करें। डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, क्लोज पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो होगी जो कि रजिस्ट्रेशन से ली गई है। अब आपको 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके लिए ब्राउज पर क्लिक करें, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करें। आपका जो सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 40 KB से 60 KB के बीच होना चाहिए। क्लोज पे क्लिक करें। फाइल सेलेक्टेड, क्लोज पे क्लिक करें। सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद उसका नेम यहाँ पर शो होगा। क्लिक टू प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। क्या आप IAF में सर्विंग है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर सर्विस नंबर और यहाँ पर करेंटली पोस्टेड नेम इंटर करना है। इसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है। यदि आप IAF में सर्विंग नहीं है तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। सबसे पहले ईयर, इसके बाद मंथ, इसके बाद डे सेलेक्ट करें। अब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज पे क्लिक करें।
अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। यदि आप 10+2, 12th या इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जाम विथ इंग्लिश एंड विथ और विदाउट फिजिक्स एंड मैथ से हैं, तो आप इसे सेलेक्ट करें। यदि आपके पास इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसे सेलेक्ट करें। यदि आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड से है तो आप इसे सेलेक्ट करें। इन तीनों में से जो भी आपके पास है उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है उसमें आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट परसेंटेज है तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करें। क्या आप फिजिक्स या मैथ से पास आउट हैं तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। इसके बाद 10+2 या 12th या इंटरमीडिएट स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्ट्रीम रहा हो उसे आप सेलेक्ट करें। यदि आप फिजिक्स और मैथ में एस सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर साइंस चूज करेंगे। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी स्ट्रीम रहा हो आर्ट्स या फिर कॉमर्स तो आप उसे सेलेक्ट करें। ग्रुप अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर आपको अप्लाइंग ग्रुप कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यदि आप फिजिक्स और मैथ से नहीं है तो आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप फिजिक्स और मैथ से हैं तो साइंस सब्जेक्ट या फिर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है जो भी आपके पास हो। इसके बाद एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपका जो भी बोर्ड हो आप उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज इंटर करना है। 10+2 के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके परसेंट पॉइंट में आ रहे हैं तो आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू इंटर नहीं करना है। जैसे कि 59.99 है तो यहाँ पर हम 59% इंटर करेंगे। इसके बाद 10+2 की ओरिजिनल स्कैन कॉपी अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करें, मार्कशीट सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करें। आपकी जो मार्कशीट है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज है 40 KB से 60 KB के बीच होना चाहिए। अपलोड होने के बाद यहाँ पर उसका नेम शो होगा। क्लिक टू प्रीव्यू पर क्लिक करके आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 10+2 के इंग्लिश के मार्क इंटर करना है। इसके बाद मैथमेटिक्स के नंबर इंटर करना है। इसके बाद फिजिक्स के नंबर इंटर करें। क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज टाइप सेलेक्ट करना है कि आपको जो नॉलेज है बेसिक है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है। जो भी है आप इसे सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि सप्लीमेंट्री या फिर कोई सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो यहाँ पर आप यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप एस चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। यदि नहीं है तो नो चूज करें। क्या आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो क्या आपका परसुइंग है या कम्प्लीटेड है, यहाँ पर सेलेक्ट करें। यदि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज पे क्लिक करें। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स फिल करना है। क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आप सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिसीज, एयरफोर्स पर्सनल के चिल्ड्रेन है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। क्या आप इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी से डिस्चार्ज है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, सबसे पहले आपको कोई विजिबल मार्क इंटर करना है, जैसे कि कट का निशान या फिर कोई मोल हो, जो भी आपके बॉडी में हो इसे यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके बॉडी में कोई मार्क नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी हाइट इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर चेस्ट साइज और यहाँ पर वेस्ट साइज इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर शू साइज सेलेक्ट करना है। आपका जो भी साइज हो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अब आपको एडिशनल स्किल्स के बारे में जानकारी फिल करनी है। क्या आपको ड्राइविंग का नॉलेज है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ ड्राइविंग सेलेक्ट करना है। यदि ड्राइविंग का नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर आप नो चूज करें। क्या आपके पास कैटरिंग की क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर यस या नो चूज करें। यदि यहाँ पर आप यस चूज करते हैं तो आपको कैटरिंग कोर्स डिटेल सेलेक्ट करना होगा। यदि नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। क्या आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि यहाँ पर आप एस सेलेक्ट करते हैं तो एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना होगा। यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो नो चूज करें। क्या आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। यदि यहाँ पर आप एस चूज करते हैं तो आपको किस किस का नॉलेज है, यहाँ पर सेलेक्ट करें।
यदि नहीं है तो सिंपल नो चूज करें। क्या आपके पास अदर स्किल, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट या फिर वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। इसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या आपके पास कोई स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन या अचीवमेंट है, तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज पर क्लिक करें। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आप परमानेंट एड्रेस फिल करें। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर हाउस नंबर इंटर करें, इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, इसके बाद तहसील का नेम इंटर करें। तहसील के बाद यहाँ पर विलेज या टाउन का नेम और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नेम इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। जम्मू कश्मीर, असम एवं मेघालय के कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आप अपना पिन कोड नंबर इंटर करें। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक करें। यदि अलग है तो आप यहां पर फिल करें। इसके बाद आपको डोमेसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। यहां पर डोमेसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। कम्युनिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, क्लोज पे क्लिक करें। अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सभी का साइज 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट JPG या JPEG में होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड करें। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करें। यदि आप फोटो में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन में क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं, वरना आप स्किप पे क्लिक करें। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर शो होगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर, यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आप अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट चेकबॉक्स को टिक करेंगे। यहाँ पर डेट शो होगी जिस डेट को आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस इंटर करना है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म 100% कम्प्लीटेड। ये पार्ट आपका 100% कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको सिटी सेलेक्ट करना है। इसके लिए सेलेक्ट सिटी पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको फेज वन के लिए एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। क्रम बाय क्रम आप जैसे एग्जाम सिटी लेना चाहते हैं वैसे सेलेक्ट करें। जो भी आप एग्जाम सिटी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर शो होंगी। सिटी सेलेक्ट करने के बाद सेव सिटी प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें। अब आपको फेज 2 के लिए भी प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। फेज 2 के लिए जितनी भी यहाँ पर एग्जाम सिटी दी गई है सभी को सेलेक्ट करें। इसके बाद सेव ASC प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें, क्लोज पे क्लिक करें। एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट सिटी भी आपका 100% कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी पेमेंट स्टेटस नॉट डन है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका अभी जनरेट नहीं हुआ है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप इस चेकबॉक्स को टिक करें और इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। पेमेंट गेटवे 1 में आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे 2 में आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट करें। पेमेंट गेटवे चूज करने के बाद पे पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको ₹250 की पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर इंटर करें, यहाँ पर एक्सपायरी डेट इंटर करें और यहाँ पर CVV नंबर इंटर करें। CVV नंबर 3 डिजिट का होता है, जनरली कार्ड के बैक साइड पे होता है। इसके बाद यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम इंटर करें। यदि कार्ड में कार्ड होल्डर का नेम नहीं है तो आप अपना नेम फिल कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करें। OTP इंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर पेमेंट स्टेटस शो होगा, पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो होगा। अब आप होम पे क्लिक करें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक पेमेंट 100% कंप्लीटेड। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। इसके लिए प्रीव्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो होगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और प्रीव्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद होम पे क्लिक करें। अब आपके सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। लॉग आउट में क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर न्यू है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।